क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इसमें क्या है कि अ ट्रायंगल एबीसीडी, ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, AO इज प्रोड्यूस्ड टू मीट द सर्कल एट K, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एन एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 64 डिग्री, देन द मेजर ऑफ DAK इज। अच्छा तो क्वेश्चन में है क्या, चलिए देखते हैं। यही बोला है ना कि एक है सर्कल, ड्रॉ कर लिया सर्कल, ठीक है। फिर आपको ड्रॉ करना है ट्रायंगल ABC, चलो ये भी ड्रॉ कर लिया भाई, उफ गलत हो गया थोड़ा सा, रुक ABC, ए भी हो गया। फिर क्या बोला है कि सेंटर लोकेट कीजिए, तो मान लीजिए कि ये सेंटर है, सेंटर को ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिया, कहाँ तक जाना है, सेंटर ओ है, सर्कल को जहाँ पे कट किया ना वो पॉइंट को लेना है आपको के, के हो गया। फिर दिया है कि ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है, डी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। ए जो एंगल बी है ना 80 डिग्री, सी कितना दिया है 64 डिग्री, निकालना कौन सा है डी ए के, किधर है, ए है आपका डी ए के। सो देखिए भाई, अगर हमने ना के एंड इसको ज्वाइन कर दिया, किसको, के एंड सी को ऐसे ज्वाइन करो, तो एक बात बताइए, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए बी सी एंड ए के सी दोनों इक्वल होगा, होगा क्यों होगा भाई, चाहे कि सेम आर्क, सेम आर्क में जब एंगल बनाइएगा तो इक्वल ही होगा ना, तो ये हो गया अपना 80 डिग्री, एंगल है 80 डिग्री 80 डिग्री। फिर अच्छा हमें निकालना कौन सा है वैसे, चलिए ठीक है, और चलिए ठीक ठीक गुड। एक और बात, ये जो एंगल पूरा है ये कितना होगा 90 डिग्री, अब आप पूछेंगे कि 90 डिग्री क्यों होगा, तो ए के जो है डायमीटर है ना, डायमीटर, डायमीटर हुआ अगर ए के, तो एंगल ए के सी ये हो गया एंगल इन सेमी सर्कल, यानी होता है 90 डिग्री, तो एक 90 होगा एक 80 होगा, जो छोटा एंगल बचा इसको कितना होना पड़ेगा 10 डिग्री, चलिए 10 डिग्री हो गया, बस काम खत्म। अब एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ए डी सी, इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल को ऐड करने से कितना होना चाहिए 90 डिग्री, एक तो हो गया 64 डिग्री, दूसरा है 10 डिग्री, एक है थीटा, सबको जोड़ के लाइए 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया है 16 डिग्री, देखो तो 16 डिग्री है का ऑप्शन, हाँ है तो बी, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ये था इसमें हमने कौन सा पॉइंट का यूज किया है। अच्छा हम ये करते चलेंगे, जो जो पॉइंट का यूज करेंगे ना वो हम आपको बताते चलेंगे। तो जो हम पॉइंट यूज किए हैं इसमें, ये है आपका कि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो एक तो ए पॉइंट हो गया कि ए पी वन बी एंड पी टू, तो एंगल ए पी वन बी इक्वल टू एंगल ए पी टू बी, दोनों होगा थीटा, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो दूसरा यूज किए हैं वो का दूसरा वाला है कि सेमी सर्कल में जो एंगल होता है ना वो होता है 90 डिग्री, ए बी ऊपर सी ले लीजिए, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो सेमी सर्कल में होगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा। ऐसे ही एक और पॉइंट होता है जो पता होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस पे एंगल, और मान लीजिए आपका हो गया सेंटर पे एंगल पी ए बी, तो एंगल ए ओ बी सेंटर पे जो एंगल होगा ना वो सर्कमफेरेंस के एंगल के डबल होगा, ठीक है। ये तीन पॉइंट ध्यान रखिएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।